ओपन जिम कॉन्सेप्ट के साथ एंड बास्केट वगैरह भी आप देख रहे हैं, बच्चों खेल रहे हैं, किसी को जॉगिंग करना है या थोड़ा सा जिम करना है, तो ये ओपन हमने पार्क बनाया हुआ है ओपन जिम के साथ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्नीचर पनोरमा। ई होम्स घर इस तरीके से बना रहा है कि आपने जो सपना संजोया है घर से जुड़े हुए, उन सपनों को भी साकार जो है वो पनोरमा ई होम्स जो है वो करता हुआ दिख रहा है। हम पूर्णिया के पनोरमा ई होम्स में मौजूद हैं, जहां पर हमने आपको और भी वीडियोज़ दिखाए हैं, घर के अंदर का टूर भी करवाया है और पूरा विस्तार से बताया है किस तरीके से पनोरमा ई होम्स जो है वो लोग के घर के सपने को साकार कर रहा है। जैसे ही पनोरमा ई होम्स के अंदर आप दाखिल होते हैं तो ये है पनोरमा ई होम का गार्डन एरिया, चिल्ड्रेन पार्क भी आप कह सकते हैं, बच्चों के लिए झूला है और क्रिकेट खेलने वालों के लिए क्रिकेट साइट भी मौजूद है और बास्केटबॉल खेलने वालों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है और ओपन जिम भी इसमें मौजूद है। आप यहां घर लेते हैं, आप यहां रहने आते हैं तो आपको कहीं किसी काम के लिए बाहर नहीं जाना होता है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो हैं क्लबिंग की हो, चाहे वो पार्क की हो, ओपन जिम की हो, सारी सुविधाएं जो है वो यहीं पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपन जिम का विजुअल देख रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट का विजुअल देख रहे हैं और चिल्ड्रंस के लिए पार्क भी देख रहे हैं। बच्चे के खेलने के लिए जो है उपकरण जो है वो मंगाए गए हैं और लगाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए होंगी मौजूद पनोरमा ई होम्स की सेल्स मैनेजर पूजा जी। जैसे ही हमने देखा कि अंदर दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा पार्क और ए टू जेड कम्प्लीट सॉल्यूशन है, तो ये ओपन जिम कॉन्सेप्ट के साथ एंड बास्केट वगैरह भी आप देख रहे हैं, बच्चों खेल रहे हैं, किसी को जॉगिंग करना है या थोड़ा सा जिम करना है, तो ये ओपन हमने पार्क बनाया हुआ है ओपन जिम के साथ, फ्रंट में ही बनाया गया है अभी, बाकी इसका और भी हमारा पार्क वगैरह पीछे भी बनने वाले हैं, तो वो और किड्स वाले एक हमारे ऑलमोस्ट बन भी गए हैं पीछे में, तो इस कैंपस में 3-4 पार्क भी हम डेवलप कर रहे हैं। देखिए, पार्कों के बीच में आपका घर होगा, हरियाली के बीच आपका घर होगा। हम थोड़ा आगे जाते हैं, देखिए आमतौर पर होता क्या है कि डुप्लेक्स के आगे जो है वो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पनोरमा ई होम्स है ना, डुप्लेक्स के आगे ही नहीं, डुप्लेक्स के पीछे भी पेड़ पौधे लगा रहा है और इसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। और जगह होता क्या है ना कि आपको होम्स के अंदर प्लांट्स दिखते हैं, लेकिन पनोरमा ही होम्स की सोच है कि जो घर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ही पेड़ पौधे नहीं है, उनके लिए ही ये पार्क नहीं है। ई होम्स के बाहर भी पब्लिक पार्क बनाया गया है। आमतौर पर सरकारें जो हैं वो पब्लिक पार्क बनाती हैं, लेकिन पनोरमा ई होम्स की सोच है कि आम लोग भी पार्क की हरियाली का मज़ा जो है वो ले। जो व्यू आप देख रहे हैं वो डुप्लेक्स फ्लैट के पीछे का व्यू है, मतलब कि जो भी लोग यहाँ रहने आएंगे, जब आगे से तो उन्हें हरियाली दिखेगी ही, लेकिन जब वो पीछे छत पर जाएंगे तो पीछे से भी उनको हरियाली का आनंद मिले, तो डुप्लेक्स के पीछे भी हरियाली का पूरा इंतज़ाम जो है वो किया गया है। और अब हम पनोरमा ई होम्स के गेट के बाहर निकल रहे हैं, है सटा हुआ ही पूर्णिया का हाईवे है और इस साइड जो है वो पनोरमा ई होम्स की तरफ से पब्लिक पार्क जो है वो बनाया गया है, पब्लिक पार्क जो है वो बनाया गया और यहाँ पर कोई भी आम लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ फुर्सत के पल जो हैं वो बिता सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो लोग जो है यहाँ पर पनोरमा ई होम्स जो है वो कार्य कर रही है। और देखिए किस तरीके से दिन का वक्त है और फाउंटेन भी चालू हो गया और रात के वक्त भी हमने आपको व्यू दिखाया था, रात का वीडियो पैच कर रहा हूँ, किस तरीके से रंग बदलता हुआ वक्त वक्त के साथ, सेकंड सेकंड के साथ आपको फाउंटेन नज़र आ रहा होगा। और अब ये दिन का व्यू देखिए, दिन में भी नेशनल हाईवे के पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं और उसके किनारे जो हैं इतनी हरियाली। आमतौर पर ये मेट्रो सिटीज़ में ये देखने को मिलता है कि हाईवे के किनारे इस तरीके का पार्क और इस तरीके की खूबसूरती। हमने ये दिल्ली और मुंबई में इस तरीके का पार्क देखा था हाईवे के किनारे। अच्छा, बट हमने हमारे पनोरमा ग्रुप पूर्णिया में भी डेवलप कर दिया है। पूर्णिया में भी ये जो है वो डेवलप किया। बेसिकली इस पार्क में जो मुझे नज़र आ रहा है ऑर्नामेंटल प्लांट और डेकोरेटिव प्लांट्स की भरमार है और प्लांट्स जो यहाँ हैं वो बाहर से भी जो है
ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो मंगवाए गए हैं। आमतौर पर पूर्णिया में इस तरह के प्लांट्स आपको दिखेंगे नहीं, और वैसे वैसे प्लांट जो हैं वो यहाँ मंगाए गए हैं। प्लांट के काफ़ी शौकीन मुझे नज़र आ रहे हैं पनोरमा ई होम्स के CMD संजीव मिश्रा। सो सपना लोग के साकार कर रहे हैं, घर का सपना तो साकार कर रहे हैं, और साथ ही घर से जुड़े जो हुए जो सपने होते हैं कि घर के बगल में आसपास ही क्लबिंग की व्यवस्था हो, आसपास ही स्विमिंग पूल हो, तो स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था कर दिया, चिल्ड्रेन पार्क भी उन्होंने दे दिया यहाँ के रहने वाले लोगों को, ओपन जिम भी दे दिया और क्रिकेट ग्राउंड भी दे दिया, बास्केटबॉल ग्राउंड भी दे दिया। तो तमाम सुविधाओं से लैस है पनोरमा ई होम्स, और इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो पनोरमा ई होम्स के पब्लिक पार्क का देख रहे हैं, और इस आप देख सकते हैं गुलाब भी खिले हुए हैं। ये देखिए गुलाब का मौसम है, और गुलाब काफ़ी अच्छे लगते हैं और गुलाब खिले हुए भी हैं, और इस पब्लिक पार्क के उस साइड है पनोरमा ई होम्स बाउंड्री बाल के अंदर। यहाँ पर कोई भी आम जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सेल्फी जो है वो खिंचवा सकते हैं, और इस पार्क का मेंटेनेंस पूरी तरीके से पनोरमा ई होम्स के ज़रिए किया जा रहा है और किया जाएगा ही। तो हमने टूर किया पूर्णिया का, जहाँ पर हमने दिखाया कि पूर्णिया में इस तरीके से पनोरमा ई होम जो है वो कार्य कर रहा है, लोगों के घर का ही सपना साकार नहीं कर रहा है, घर से जुड़े हुए सभी सपनों को बारीकियों के साथ पूरा करते हुए दिख रहा है पनोरमा ई होम्स। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।